सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बंधो का कांचन रुचिराक्ष माला पाशा कुशाच भरदान जवाहुदंड विभ्रनमेंदु शकल वर्णम प्रनेत्र अर्धान समणिशन बपुराश्रयामी जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों के सायंकाल की आरती में ही माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतया आज बसंतिक नवरात्रों के अवसर पर पंचम नवरात्र में जो है इस भगवती जगजननी के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, ये यक्त माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की भक्ति जो है सदा सर्वदा आपके हृदय में बनी रही और माँ वैष्णो देवी इसी तरह से प्रसन्नता पूर्वक अपने दरबार में आपको बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रही और माँ के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण हो और भगवती अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल ही मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरे नारायणे नमस्ते। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी उन भक्तों को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतति भान भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञा भान भवे भूरिभूत करणे धाने कनिष्ठ भव तेजस्वी भव भैरी गर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्य है सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संत मनोर्थ शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामुदयस्तु शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यम माविधात दीर्घमायु हो अस्तु दीर्घमायु हो। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से सम्मानित करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना तारी जाते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी हारी ओम जय अम्बे गौरी।
ॐ ऐं
ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन मां भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਦੀ ਆਪਕੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮੈਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭੀ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਮੇਂ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਮੇਂ ਜੈ ਮਾਂ ਕਾ ਜੇ ਜੈਕਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਆਪਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜਬ ਆਪ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਸੇ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਔਰ ਗੱਜ ਕੇ
आज नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे आप सभी जहां पर बैठे हैं, सुबह आचार्य जी ने आपको सभी को बताया, शास्त्री जी ने आपको सभी को अच्छे अच्छे प्रवचन अच्छी अच्छी भेंटें सुनाई। आज भगवती माता रानी जी का ना स्कंद माता जी के रूप के दर्शन है। आप सभी जानते हैं, लेकिन माता रानी जी के 9 रूपों में सारे रूप अच्छे हैं, लेकिन ये वाला रूप जो है ना माता रानी का बहुत अच्छा लगता है। वो दिल में ऐसे ना दिल मां को जब देखो आप, माता रानी जी की मूर्ति देखो, स्कंद माता जी की मूर्ति देखो, दर्शन करो माता रानी जी के उस रूप के, तो वो बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी गोदी में उनके लाल भगवान स्कंद जी कार्तिकेय जी बैठे हुए। आज मां से मैं यही प्रार्थना करता हूं, उन शादीशुदा बहनों के लिए कि हे जगत जननी माता रानी जी, जिन शादीशुदा बहनों की गोदें सुनी हैं, जोलियां सुनी हैं, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जैसे आपकी गोदी में लाल खेल रहा है, उनकी गोदी में भी मां उनका अंश उनका वंश खेले। वो जगत जननी माता रानी जी, आज का दिन मैं उन सभी के लिए मां से प्रार्थना करता हूं। और यकीन मानिए, आप जहां भी हैं, जहां बैठे हैं, अपने घर में हैं, जब आपको मौका मिले आप मां के पास आइए, जहां जे समझिए जो वो आपको बुलावा भेजेगी तब आप आएंगे। लेकिन सच्चे मन से सच्चे हृदय से मां का ध्यान करते हुए आज प्रार्थना करना, वो जिद करके मां से मांगना कि मां आपने सभी की झोलियां भरी हुई हैं, हमारी झोली सुनी क्यों? मेरा विश्वास है उनकी झोलियां माता रानी खुशियों से भरेगी। उसके बाद जिनके घरों में माता रानी ने पूरे आशीर्वाद दिया हुआ है, उनके वंश आगे चल रहे हैं, उनके लिए भी आज मैं माता रानी जी से विशेष प्रार्थना करता हूं। क्योंकि ये माता रानी जी का रूप जो है, उनकी झोली में लाल तो है लेकिन बहुत वीर पुरुष लाल हैं, भगवान जिन्होंने सब देवताओं को युद्ध में जिताया था। तो उनसे ये प्रार्थना करता हूं, मां जो जो सबको आपने अपने अपने घरों में आशीर्वाद दिया है, सब बच्चे खूब उन्नति पाए, मां बाप के आज्ञाकारी बने, हमारे देश का भविष्य उज्जवल बनाए। जगत जननी माता रानी जी, आप ऐसी विशेष कृपा करना कि बच्चों को सद्बुद्धि देना, तरक्की देना, मान देना, जश देना, और हमेशा अपना वरद हस्त का हाथ आप सब पर और आप सबके परिवार पर, पूरे कुटुंब पर, पूरे भारतवर्ष पर और पूरे ब्रह्मांड पर मां आपका ये वरद हस्त रहे, ये कृपा रहे, ये रूप मां ऐसा मन करता है कि इस रूप को ना दिल में ऐसे पालकी की तरह बैठा ले। सभी रूप अच्छे हैं, लेकिन ये रूप में ऐसे पूर्णता, ऐसे जब उनकी झोली में लाल देखते हैं तो मां सबकी गोदियों में लाल गोपाल खेले। किसी की गोदी जो है ना सूनी मत रखना, आप अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, आपकी कभी गोदी जो है ना सूनी नहीं रहेगी। और जगत जननी माता रानी, जिन बहनों के अभी वर नहीं मिल रहे उनके लिए भी विशेष आशीर्वाद, उनको भी अच्छे अच्छे उनके सपने पूरे करने वाले राजकुमार दीजिए। आज नवरात्रे हैं, जगत जननी उन बहनों के लिए, क्योंकि मां बाप की यही इच्छा होती है कि बेटी जो है अपने घर में जाए। तो जगत जननी आपसे आज यही प्रार्थना है कि सब बच्चियों को जो
शादी शुदा योग्य हो चुकी हैं माँ, उनके लिए भी ऐसा ही जैसे आपकी गोदी में कार्तिकेय जी स्कंद भगवान बैठे हुए, ऐसे ही बल पुरुष, ऐसे ही मान और जश वाले, सपने पूरे करने वाला राजकुमार उनके लिए भी भेजना। ये नवरात्रों का जगत जननी माता रानी हमारे पूरे भारत वर्ष के लिए ये तोहफा होएगा जगत जननी, और आप सबके साथ मां को दिल में बैठाने के साथ सभी देर हो रही है, लेकिन मां के साथ ये दिन जो है न जी पर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। माँ के इन रूपों को जो अंदर बैठी है आपका इंतजार कर रही है, जैसे आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रही है। आप जब जाओगे प्रार्थना करना उनसे, दिल बाली पाल कीच तैनू मां बिठाना है, दिल बाली पाल कीच तैनू मां बिठाना है, चल मेरे नाल तैनू कर लेके जाना है, चल मेरे नाल तैनू कर लेके जाना, दिल वाली पालकी। वो आपकी दिल वाली पालकी में जरूर बैठेगी, आपके साथ जाएगी भी। आप वैसे ही कर्म करना, जैसे एक माँ के अच्छे लाल बच्चे जो करते हैं, आप वैसे ही कर्म। और अपने हाथ जो हैं, अपनी रेखाएं जो हैं, आज इस प्रार्थना के साथ मेरे हाथों के बीच खाली मालकी राने, मेरे हाथों दे बिच खाली मालकी राने, तेरे हाथों दे बिच सब दिया तकदीराने, तेरे हाथों दे बिच सब दिया तकदीराने, सुते नसीबानू सुतिया नसीबानू मां अज में जगाना है, सुतिया नसीबानू मां अज में जगाना है, चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है, चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना। माता रानी जैसे घर की माँ बच्चों को ठग लेती है, बात मान लेती है, लेकिन बस बच्चों को जैसे बोलती है तू जे खा ले जे कर ले तुझे दूंगी, माँ ऐसा मत करना। आप जो वायदा करोगे जो आशीर्वाद दोगे वो पूरा करना आप करते हो, लेकिन आज माँ हमसे ना रूठना ना हमने आपसे रूठना। बच्चियां दे नाल दाती रुसना नी चाहिदा, बच्चियां दे नाल दाती रुसना नी चाहिदा, अपने प्यारियां नू लारा नहीं उलाईदा, अपने प्यारियां नू लारा नहीं उलाईदा, कौन जान दाती असा रहना है के जाना है, कौन जान दाती असा रहना है के जाना है, चल मेरे नाल तेनू चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है। इस आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें, आप सबकी अच्छी अच्छी मनोकामनाएं पूरी करें, और जगत जननी माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी और बहुत सारी खुशियों के साथ
फिर से बुलाए। अभी आपने जकारा बोल दिया, मेरी वाला मोशन तोड़ दिया। अब सभी गज के ऐसे पूरा बीच में और पूरे जोश के साथ और लंबी जयकार, ऐसे जैसे हवा से लहराता हुआ मां से आशीर्वाद लेता हुआ जयकारा। मालूम तो चले आपने बोला क्या, फंसे हुए नहीं बोला, दिल से आवाज से हर एक सांस से होता हुआ जय मां की आवाज लेता हुआ ऐसा जयकारा पूरे देश में होना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, आशीर्वाद जय माता दी जय। सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।